So, hey you bros, what is up and welcome back to another episode of Road to Silver. This is episode 11 and let's get started. अभी ये वाला राउंड देखो, यहाँ मेरे को ओमन की लोकेशन पता थी तो मैं ओमन को जस्ट ट्रैक करता हूँ और सेप्टर से उसे ले लेता हूँ। अभी देखना यहाँ पे देखो, तीन बंदे बचे हैं एंड हमारी टीम में दो बंदे बचे हैं एंड एक और बंदे को मैं यहाँ पे डाउन करूंगा। ये हेयर इट गोज। अब एक और बंदे को डाउन करने के बाद यहाँ पे देखना, जेट ने देखो कितना बढ़िया किया, उसने जो मेरे को कवर दे रहा था उसका एंगल कट ऑफ कर दिया और इजीली वो लोग जीत गए भाई, इजीली। अब यहाँ पे देखो, मैं स्टन डालता हूँ और स्मोक के थ्रू पुश करता हूँ एंड आई गॉट जेट ऑफ गार्ड। तो मैं हमेशा स्मोक के थ्रू ऐसे साइड वाइज पुश करना चाहिए और दो बंदों को मैं यहाँ से इजीली। अब इसमें तुम मेरा मिनी मैप देखो, यहाँ पे देखो योरू अल्टी पे था तो मैं योरू के फेवर के लिए स्टन डालता हूँ और योरू दो किल निकाल लेता है स्टन के यूज से। इसलिए स्ट्रेफ एंड शूट हमेशा बेटर होता है क्राउच एंड शूट से यार, लॉन्ग रेंज पे। आई नो मेरे फंडामेंटल्स इतने पॉलिश नहीं है बट यार अच्छे खासा काम कर लेते हैं गाड़ी। अभी यहाँ पे देखना मेरे को ओमन स्पॉट होता है, मैं पता है यहाँ पूरा प्रिपेयर करता हूँ खुद को एक फाइट के लिए एंड सीधा कमिट करता हूँ और फिर लास्ट बंदा बच रहा होता है फिर यूटिल्स की मदद से पीक कराता हूँ और इजीली विक्ट्री। यहाँ मैंने सेज पे आफ्टर शॉक मारा था बट वो साला बच जाता है, उसको एक हिट पड़ता है लेकिन आफ्टर शॉक का, बट फिर भी मैं उसे पकड़ के मार ही देता हूँ गाड़ी। नेवर एवर फॉरगेट टू टेक द ट्रेड ऑफ योर टीममेट। यहाँ पे देखो भाई साइफर के साथ क्या होता है, दोनों वुमन ब्लाइंड कर देते बेचारे को। और ये मैच एक इजी विक्ट्री होता है, हमें देखते हैं यार कितने आरा प्लस मिलते हैं। लेट्स गो। व्हाट द फक, 24 ओनली, व्हाट द हेल इज दिस। हम नेक्स्ट मैच था स्प्लिट और मैं खेल रहा था रेस। यहाँ पे देखो कभी बार तो मैं ना अर्ली पुश करना चाहिए और ब्रीच ने जो स्टन डाला था यार इट हेल्प मी अलॉट। और डबल सैचल नहीं करो यार, कभी कभार सिंगल सैचल भी बढ़िया होते हैं। यहाँ पे देखो मैं इजिली पहुंच जाता हूँ उन लोगों के पीछे, ब्रीच का स्टन आता है जब मेरे को दो बंदे मिल जाते हैं फ्री के किल और ये राउंड हम इजीली जीत जाते हैं, आखिरी बंदा बच रहा होता है। अभी ये वाले क्लिप में देखो, ये सबसे पहला मिस्टेक यहाँ पे बूम बॉट छुकना, क्योंकि देखो बूम बॉट को यहाँ पे स्पेस ज्यादा है कवर करने के लिए। और यहाँ पे देखो सेकंड मिस्टेक था एंगल क्लियर नहीं करना और हम हार गए इस वजह से, तो तुम नहीं करो ये गलती। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से यहाँ से जाता हूँ तो पूरा है बकायदा एंगल चेक करते हुए जाता हूँ और इसी के लिए मेरे को साइफर मिल जाता है यहाँ पे बहुत ही आसानी से कैंप करता हुआ। और 3v4 था, इजीली मैं नेट डालता हूँ एक और इससे मेरे को एक और किल मिल जाता है यहाँ पे एंड होल टीम वॉज डेड और मैं डिफ्यूज कर देता हूँ। रेना के लियर की वजह से मेरे को उसका लोकेशन पता चल गया था तो मैं सीधा अल्ट पॉप करके घुस जाता हूँ, नीचे देखता हूँ और अल्टी मार देता हूँ। यहाँ पे सामने सेज आएगा लेफ्ट से, उसको भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगले राउंड में मैं साइफर को सबसे पहले ले लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे साइड ए पे प्लांट डालते हैं, बैक स्टेप आ रहा था रेस, उसको भी मैं मार देता हूँ। अभी यहाँ देखो मैं स्मोक को वॉच कर रहा था एंड मेरा क्रशर बहुत गलत जगह था बट ओमन को मैं लकीली ले लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को जज से धप्पा करने की कोशिश की जाती है और कर भी दिया जाता है रेना द्वारा बट डेडलॉक आखिरी बंदे को मार देता है एंड इट वॉज अ स्वीट स्वीट विक्ट्री 31+31+। अब इस मैच में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि जो सोवा आया था वो सेज को बूस्ट कर रहा था, ओपोनेंट वाला सोवा की बात कर रहा हूँ। ही वॉज बूस्टिंग सेज एंड ही वॉज अ स्मार, तो इसके बारे में बोल के या एक्सप्लेन करके कुछ फायदा नहीं है। बट हाँ यार एक टिप देना चाहूंगा, जब भी कोई स्मर्फ आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किल्स करने चाहिए। स्मर्फ को मारने पे ध्यान मत दो जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ बट किल्स पे ध्यान दो ताकि तुम्हारे कम माइनस लगे, क्योंकि तुम्हारे एल तो लगने ही वाले हैं तो थोड़े कम लगे तो ज्यादा बेटर। ओके और यार स्मर्फ से दिल छोटा करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है यार, कई सारे गेम्स में एक गेम में स्मर्फ आ गया तो इट हार्डली मैट यू नो, तुम बाकी गेम जीते हो। आज हम जीते हैं दो गेम, वी गॉट 24 एंड 31+। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है यार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। मैं मिलता हूं तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।